हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो डिमांड के बेसिस पे बनाया जा रहा है। रीजन ये रहा सर, आपकी जो एग्जाम है रिट के, वो बिल्कुल नियरेस्ट है। और इस मोमेंट में आप चाहेंगे कि हमें वो सारे सिलेबसेस, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनका एक रिविजन मिल जाए। और इसी भी यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में बात कर रहा हूँ रिट इंग्लिश के लिए। लैंग्वेज जिन्होंने सेकंड चुन रखा है, उनके यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का एक रिवीजन हमने तैयार किया। और इसके साथ ही 100 क्वेश्चन हमने तैयार किए, जो आपके लिए शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी सर, शुरुआत करते हैं रिवीजन की। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 दोनों का रिवीजन मैं एक साथ लूंगा सर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया, लैंग्वेज। लैंग्वेज सर होता क्या है? सर बड़ा ही सिंपल सा आंसर होगा, लैंग्वेज इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू एक्टिव पर्सन, जो अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सर ये फीलिंग वर्ड आप इसके साथ कीवर्ड की तरह अटैच रखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं। अगर अपन बात करें लैंग्वेज, तो अपने लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो मदर लैंग्वेज है या मदर टंग जो है, उसी को आप फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। और उसके बाद में, पहली बात तो मदर टंग कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज जो आप एनवायरमेंट से सीखते हैं या अपने मदर या फादर से सीखते हैं, उस लैंग्वेज को आप फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। सेकंड थॉट, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी? सर उस लैंग्वेज के बाद अगर कोई आप लैंग्वेज गेन करना चाहते हैं, तो उसे सेकंड लैंग्वेज कहेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा सर। चलिए जी, हमने देखा कि सेकंड लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, क्योंकि हम बात इंडिया की करेंगे, क्योंकि इंडिया के ही है सर। उसके बाद एक फॉरेन लैंग्वेज वर्ड आया। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो बनी हुई है कहाँ पे, फॉरेन में, उसको कहेंगे फॉरेन लैंग्वेज। सर इसी से जुड़ी हुई एक और बात अपन देख लेते हैं। इंग्लिश जो वर्ड है, उससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं? सर ये अपने आप में एक लिंक लैंग्वेज होता है, कंसेप्चुअल थॉट्स को लिंक करने के लिए। नेक्स्ट, ये एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। सर लाइब्रेरी लैंग्वेज कैसे हुआ? जितने भी लिटरेचर्स के फॉर्म है, वो सारे के सारे आपको किसमें मिलेंगे? इंग्लिश में मिलेंगे। सर बात सिर्फ लिटरेचर की नहीं है, अगर बात किसी भी फॉर्म की करें, अपने आप में जब लाइब्रेरी की बात होगी, भले उसको कैटेगराइज किया गया हो, उसकी कैटेगरी बनाई गई हो, या उसका क्लासिफिकेशन हो, हर कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में। इसलिए इसे कहा गया लाइब्रेरी लैंग्वेज। देन लैंग्वेज ऑफ स्किल सब्जेक्ट। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंग्लिश है वो क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। किसका जी? स्किल का सब्जेक्ट है। अपने आप में जब स्किल की बात आई, तो मेरे माइंड में एक शब्द आया, LSRW। अगर आपने सिलेबस को बड़े अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली स्किल वर्ड आते ही आपके माइंड में भी ये शब्द जरूर आया होगा। सर अगर स्किल की बात करें, यूं तो LSRW सीधा सिक्वेंस एग्जामिनर पूछता है कि स्किल का सही सिक्वेंस क्या होगा। सर बड़ा ही सिंपल आंसर होगा LSRW। अगर इसे थोड़ी आगे बात करें, तो पता चला स्किल दो तरह की होती है, प्रोडक्टिव, आप इसे चाहे तो कह सकते हैं क्रिएटिव। ठीक है जी सर, अपने आप में जब आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी सर, दूसरा हुआ रिप्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। सर यहाँ एक शब्द आया रिसेप्टिव, मैं इसका थोड़ा मीनिंग आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। रिसेप्टिव का अर्थ होता है सर किसी चीज को ग्रहण करना, और ग्रहण करने की जब बात आई, आपने कहा LSRW, जिसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मैंने कहा इसमें ग्रहण करने वाले जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से है? सर आपने कहा लिसनिंग बोला जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता, स्पीक बोला जाता है। सर एक बार इस लिसनिंग में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लिसनिंग की बात करें, तो आप सर सुनते हैं, अपने आप में ग्रहण करना हुआ सर, लिसनिंग हुआ रिसेप्टिव, स्पीकिंग, स्पीकिंग सर रिसेप्टिव नहीं हुआ, आप किसी और को रिसेप्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है जी सर, यहाँ एक शब्द आया रीडिंग। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, इसका अर्थ हुआ एल और आर, ये किसके हुए जी सर? रिसेप्टिव। बाकी दो बचे एस और डब्ल्यू, अपने आप में किसके हो गए जी सर? प्रोडक्टिव, या फिर कह सकते हैं आप क्रिएटिव। इसके जस्ट बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किसने किया? सर ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया था B.S. ब्लूम ने। और इससे जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं। B.S. ब्लूम ने क्लासिफाई तो किया, क्लासिफिकेशन का अर्थ अपने आप में वर्गीकरण करना होता है। इन्होंने वर्गीकृत किए तीन डोमेन। ठीक है जी, डोमेन का अर्थ आप पक्ष लेते हैं सर। पहला लिया कॉग्निटिव, जिसमें बात होती है किसकी सर? हेड एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। उसके जस्ट एक बात आता है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें बात होती है हार्ट एंड फीलिंग। सर ये जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं, हेड इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। सो इसको आप अच्छे से समझे। उसके बाद को नेटिव, या आप चाहे तो इसे कह सकते हैं साइकोमोटर।
अपने आप में बात करता है हैंड एंड एक्शन की। ठीक है जी सर, उसके जस्ट बाद आया 3H फॉर्मूला। 3H फॉर्मूला सर दिया गया किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा। लेकिन अगर 3H फॉर्मूले की जगह 4H एजुकेशन फॉर्मूला आ जाए तो सर आप ध्यान रखिए ये दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इससे जुड़ी एक बात और करते हैं अपन, ये दोनों के जनों फॉर्मूले जो है अपने आप में एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही रिलेट करते हैं सर। उसके बाद लिटरेसी जो है वो रिलेट करता है हेड ओनली को। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लिटरेसी किसको रिलेट करता है, लिटरेसी हेड ओनली को रिलेट करता है और जो एजुकेशन है वो 4H को रिलेट करता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा है 4H एजुकेशन फॉर्मूला किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है जी सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया अपने प्रिंसिपल जो कि किस पे, अजम्पशन पे बेस्ड होता है। अजम्पशन का अर्थ होता है सर मान्यताएं। कैसी मान्यताएं? प्रिंसिपल बनाने की जरूरत सर इसलिए पड़ी कि जस्ट मान्यता ये थी कि शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उनको शॉर्ट टाइम में आप नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए आपको जरूरत पड़ी किसकी, प्रिंसिपल की, जिससे आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ाया जा सके। ठीक है, जब प्रिंसिपल की बात आई सर आप 3 प्रिंसिपल बनाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, चीजों को सिलेक्ट कैसे करना है सर, चीजों की बात यहाँ एजुकेशन के मटेरियल से है। उसके जस्ट बाद सिलेक्शन में क्या क्या आएगा, सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे देखना है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सर, एक वर्ड जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है आप सब पहले उसका सिलेक्शन करें। फिर आया सर रेंज, रेंज का मतलब जब आप काउंटली किसी वर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं कि इसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है, आप उसी को पहले सिलेक्ट करें। फिर आया सर अवेलेबिलिटी, आप उन वर्ड्स का सिलेक्शन पहले करें जो वर्ड्स उससे रिलेटेड थिंग्स आपके पास है। मान लीजिए मुझे एक टेबल के बारे में कुछ पढ़ाना है क्योंकि मेरे पास हर बार टेबल होती है, तो उस वर्ड का सिलेक्शन आप पहले करें। उसके बाद लर्नेबिलिटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप पहले करें जो लर्न एबिलिटी के बिहाफ पे हो। उसके बाद कवरेज, आप ऐसे किसी वर्ड का यूज करें जो लार्ज कंसेप्ट को कवर करता हो। उसके बाद यूजफुलनेस, और इन सभी के बारे में आपने पहले ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है। और मैं फास्ट चलने का मेरा रीजन ये है कि मैं आपका रिविजन ले रहा हूँ, समय नहीं लेना चाहता, कम समय में ज्यादा चीजें हम गेन कर ले। उसके जस्ट बाद में आया ग्रेडेशन, ग्रेडेशन में क्या होगा जी सर, अगर बात सिंपलिसिटी की हो पहले उन मूवमेंट को ग्रेड करें जो सिंपली हो। उसके बाद फैमिलियरिटी, आप फैमिलियरिटी जितने भी वर्ड्स है मटेरियल्स है उनको आप पहले ग्रेड करें। नेक्स्ट टीचेबिलिटी, दो टीच एबिलिटी, टीच और एबिलिटी से बना हुआ टीचेबिलिटी, तो आप उन मटेरियल्स को आप पहले ग्रेड करें जो टीचेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। सर यहाँ पे एक शब्द है ग्रुपिंग, यहाँ से बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देता है। पहली बात तो ग्रुपिंग होती है कितने तरह के, 4 तरह के। जब आप ग्रेडेशन की बात कर रहे होते हैं तो शब्दों का आप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ाए तो ज्यादा बेस्ट होता है। ग्रुपिंग में अगर बात करें सबसे पहले फोनेटिक ग्रुपिंग, फोनेटिक का अर्थ है वर्ड्स के साउंड से। सर जब आप साउंड की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे होते हैं फोनेटिक की। हो सकता है मैं आगे एक ऐसा चैप्टर रिविजन में लू जैसे की फोनेटिक। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। दूसरा इसका पार्ट है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग का अर्थ हुआ शब्दों की जो कैटेगरीज बनाए, जैसे अपने एक शब्द बोला फैमिली और फैमिली में सारे वर्ड आ जाते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, तो इस तरह के जो शब्द है उनको कहते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग। उसके बाद आया ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का अर्थ सर अपने आप में ये हुआ, ऐसा कोई आपने प्रीपोजिशन यूज किया या ऐसा कोई आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स बन सकते हैं आप उन सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ जरूर गेन कर ले। इसके जस्ट बाद आया सिमेंटिक। सिमेंटिक की अगर मैं बात करूं तो सिमेंटिक का अर्थ सर शब्द के मीनिंग से होता है। और मीनिंग की बात आए तो अपन ने जैसे मान लीजिए एक शब्द देखा सुंदर, और सुंदर से बनने वाले जितने भी शब्द है उन शब्द को एक साथ ले, जैसे अपन ने कहा जी बड़ा, बड़े से रिलेटेड जो शब्द है गिगेंटिक, मेमथ, बिग, ह्यूज, इस तरह के सारे शब्दों को आप एक साथ कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है जी सर, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या हुआ जी सर, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले 3 कैटेगरी बनाए प्रिंसिपल के। एक बनाया अपन ने सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद बात की अपन ने प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में किस किस की बात होती है, नेचुरलनेस सर, आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीजें नेचुरल लुक में होनी चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जब भी आप कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले उस चीज को पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें। ठीक है जी सर, उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन। सर ये हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, सर हैबिट फॉर्मेशन का अर्थ है बच्चों के पास 4 हैबिट होनी चाहिए और वो 4 हैबिट है LSRW।
उसके बाद में प्रॉपर ऑर्डर, ये क्वेश्चन सीधा आरपीएससी में पूछा गया था कि स्किल का प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं एल एस आर डब्ल्यू, यही स्किल का प्रॉपर ऑर्डर होगा। उसके बाद प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन जो वर्ड है उसका मतलब है समानुपात, चीजें समानुपातिक होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ जितना आप लिसनिंग पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही राइटिंग पे दे, जितना राइटिंग पे दे रहे हैं उतना ही आप अपने आप में एल एस आर डब्ल्यू स्पीकिंग पे दे, ठीक है, और उतना ही आप रीडिंग पे दे। चारों की चारों जो कॉन्सेप्ट्स है उनको इक्वली आप प्रेजेंट करें। उसके बाद फोनोलॉजी, फोनोलॉजी का अर्थ है जो प्रोनाउंसिएशन है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है जी। नेचुरल करने के लिए आप किसी अगर दूसरे कंट्री में कुछ चीज प्रोनाउंस करने हैं या दूसरा वर्ड कोई प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से आप सुन ले, उसके बाद प्रेजेंट करें। उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट करें, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को कुछ इस तरह से करवाए कि वो कुछ कार्य करके या कुछ प्रैक्टिकली करके उस चीज को सीख पाए। तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, चीजें एक्यूरेट और करेक्टनेस होनी चाहिए। कोरिलेशन विद लाइफ, चीजों को कोशिश करें जो भी मटेरियल आप पढ़ा रहे हैं टीचिंग्स में उन मटेरियल्स को आप लिंक करने की कोशिश करें बच्चों की लाइफ से। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, और ये तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और ड्रिल करवाएंगे बच्चे उतना ही ज्यादा सीख पाएंगे। सर ये बात हुई प्रिंसिपल्स की, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सीएलटी के लिए। सीएलटी क्या होता है सर, अगर फुल फॉर्म की बात करें सीएलटी स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये तो हो गई फुल फॉर्म। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कब फाउंड हुआ 1977 में, कहां पे सर, जापान में। इसके जस्ट बाद में अगर डेफिनेशन, फर्स्ट टाइम अगर इसको डिफाइन किया तो डिफाइन किया था नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है जी सर। दो चीजें ध्यान रखें, एक तो डिफाइन किसने किया और दूसरा इंट्रोड्यूस किसने किया। डिफाइन करने की बात आए तो नॉम चॉम्स्की, और अगर इंट्रोड्यूस करने की बात आए तो डेल हेमस, ये बात ध्यान रखे सर आप। उसके बाद स्पेसिफिक स्किल, अपने आप में सीएलटी एक स्पेसिफिक स्किल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है सर सीधा क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी, कहने को तो सर बहुत सारे प्रिंसिपल है सीएलटी के, मैंने उन्हीं प्रिंसिपल को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है जी सर। सबसे पहले एम्फेसिस किस पे देता है, यूज ऑफ लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा जो सीएलटी का एम्फेसिस होता है कि आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का, क्योंकि लोगों के बीच इंट्रेक्शन तभी होगा जब लोग उस लैंग्वेज का यूज करेंगे। उसके बाद मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इज द गोल, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो कॉम्पिटेंस, जो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस है इसका मेन उद्देश्य होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सर यहाँ पे एक शब्द आया अप्रोच, अप्रोच आपके तो नहीं है लेकिन अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करूँ तो अप्रोच का पूरा एक कंसेप्ट है, और यहाँ पे अगर अप्रोच की बात चल रही है तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लूँ। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसका मतलब लर्नर पे ही पूरा फोकस किया जाता है। एरर्स आर टॉलरेटेड, सर एरर को टॉलरेट किया जाता है सीएलटी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका रीजन क्या है, एरर टॉलरेट करने का अर्थ ये है कि जब आप एरर टॉलरेट नहीं करते तो स्ट्रक्चर बहुत बार आप गलत बना देते हैं, लेकिन अगर आपने हर बार स्ट्रक्चर के बारे में सोचा, अगर आपने हर बार स्ट्रक्चर के बारे में सोचा और फिर कोई सेंटेंस वर्ड डेवलप करके उसको बोला तो अपने आप में टाइम टेकिंग होगा वो, और एरर्स नए ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए एरर्स को टॉलरेट किया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन बात रिवीजन की कर रहे हैं तो चीजों को इतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ गए हम सर, सिर्फ और सिर्फ उनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस है उन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर आया जी सर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर में हमने देखा कि डिसऑर्डर से क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन इससे बने चार पॉइंट जो है उनको अपन देख लेते हैं। चार पॉइंट की अगर बात करें, डायसाग्राफिया, अगर इसकी बात करें तो राइटिंग डिसऑर्डर जो है, उसके बाद डिसलेक्सिया जो कि रीडिंग डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, डायसेक सेलुलेया इसकी अगर बात करें तो ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, डायसेप्रेक्सिया ये किसके लिए, एल एस आर डब्ल्यू, ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ना तो पढ़ना है ना लिखना है ना अच्छे से सुनना है उसके लिए डायसेप्रेक्सिया, ठीक है जी सर। उसके बाद में मोस्ट चैलेंजेस की बात करें तो मोस्ट चैलेंजेस में आता है प्रोनाउंसिएशन। सर यहाँ पे अभी मैंने एक शब्द बोल के कि आपको बता दिया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने आप में ज्यादातर जितने भी लर्नर है उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम बड़ा ज्यादा देखने को मिलता है सर। रीजन बता देता हूँ, बच्चे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, सर प्रोनाउंसिएशन कहना यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, प्रोनाउंसिएशन नहीं सर प्रोनाउंसिएशन। उसके जस्ट बाद में आया ग्रामेटिकल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चर बड़े ही संगीन होते हैं इस वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद में थिंकिंग, बच्चे इंग्लिश में सोच नहीं पाते उसकी वजह से अपने आप में ये एक चैलेंज बन जाता है। इससे आगे बात बढ़ रहे हैं तो अपन इवेल्युएशन, आपने सर शायद साइकोलॉजी में इवेल्युएशन के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, ज्यादा कुछ बात में नहीं करूंगा। इवेल्युएशन दो तरह के होते हैं,
समेटिव और फॉर्मेटिव। ठीक है सर, इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आने वाले जो शो क्वेश्चन है उनमें उन चीजों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब अभी कर ले ताकि वो क्वेश्चंस आपको अपडेट मिल जाए। उसके बाद एक टेस्ट शब्द है जो कि किससे बना हुआ है, टेस्टम से। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेस्ट शब्द किससे बना हुआ है, तो सर ध्यान रखिए आप टेस्टम से बना हुआ है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, सर रेमेडियल टीचिंग का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जो वीक है उनको कैसे अपडेट किया जाए, उनको कैसे होशियार बनाया जाए, उसके लिए आप यूज करते हैं रेमेडियल टीचिंग का, यानी कि जो टीचिंग्स में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए आप यूज करते हो रेमेडियल टीचिंग। और रेमेडियल टीचिंग दो तरह से, दो फंक्शंस में डिवाइड होता है, एक डायग्नोस्टिक जिसमें पता किया जाता है कि बच्चों के रियल में प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है जी सर। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन और रेमेडियल फंक्शन जिसमें रेमेडियल ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाता है। सर ये तीन फेज में होता है, इसके तीन फेज में मैं आपको बता दूं क्या क्या है। पहला जो फेज होता है उसमें टेस्ट होता है सर, टेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है जी सर। दो कंसेप्ट में आपको बताना चाहूंगा, एक क्लासरूम टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में पहले टीचिंग होती है, फिर टेस्ट होता है, फिर टीचिंग होती है। लेकिन रेमेडियल क्लासरूम जो होंगे उसमें थोड़ा सा अलग होगा, सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद कैटेगरी बनाई जाएगी एक वीक बच्चों की जिनके टेस्ट में कम मार्क्स आए, उन वीक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर उनका टेस्ट होगा, दैट मींस रीटेस्ट, ठीक है जी सर। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्लासरूम से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि बेसिक क्लासरूम में आप कहते हैं टीच टेस्ट रीटीच, लेकिन यहाँ पे होता है टेस्ट टीच रीटेस्ट, ठीक है जी सर। थोड़ा सा फंक्शन अलग होगा। ये था अपना रिविजन और इससे जुड़े हुए 100 क्वेश्चन जल्द ही मैं अपडेट कर दूंगा। आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़े रहिए हमसे, और कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच सर।